वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पी एन एच एम सत्रह हज़ार ज्वानी को लेकर गाइज जैसा आप सभी लोगों को पता चल गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आपकी पी डी आई है और पी फार्मासिस्ट के जिला अलाटमेंट से संबंधित है तो अभी आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं फार्मासिस्ट के जैसे कैंडिडेट का जिला अलॉटमेंट जारी हो गया है तो एन का कब होगा लैब टेक्नीशियन का कब होगा स्टाफ नर्स का कब होगा ठीक है और यहाँ पे एक जरूरी जानकारी है फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए जो चयनित है ठीक है और अभी जिला जिला आवंटन की पीडीएफ आई है जिनका नाम उस पीडीएफ में नहीं है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ठीक है और एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस भी आई है ठीक है बाद में ठीक है तो उस नोटिस का क्या मतलब है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में और बताने वाले हैं कि एन और या एल टी या का कब आएगा जिला आवंटन की पीडीएफ ठीक है उसके साथ साथ अभी जो जिला आवंटन का पीडीएफ आया है फार्मासिस्ट वालों का इनका ऑफर लेटर कब जारी होगा ठीक है ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं राइज देखिए ये जिला आवंटन की जो पी आई है ठीक है फार्मासिस्ट वालों के लिए तो आप इस जब पी को पूरा चेक करेंगे ठीक है पूरा पी चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप कैटेगरी नोटिस करिएगा ये कैटेगरी जो है यू आर ओ बी सी एस टी वालों का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है जितने भी एस वाले कैंडिडेट थे जो भी वैकेंसी निकल के आई थी एस वालों का उनका नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है पूरा आप चेक करेंगे तो नहीं आपको मिलेगा कहीं नहीं दिखेगा एस टी कैटेगरी का तो अब बात यह है कि एस टी कैटेगरी वाले के लिए क्या हुआ उनका क्यों नहीं नाम आया उनको कहां दिया गया ज्वाइनिंग कहां देने वाले हैं ज्वाइनिंग किस लिए क्या उनकी वैकेंसी ही खत्म कर दी गई ये सभी सवाल का जवाब हम देने वाले हैं इसी वीडियो में ठीक है तो जितने भी एस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका नाम है देखिए कुछ लोग तो युवा से क्वालिफाई किए थे कुछ लोग जो एस टी कैटेगरी थे युवा से क्वालिफ़ाई कर गए थे जो लोग युवा से क्वालिफ़ाई किए थे एस टी कैटेगरी वाले ठीक है उनका तो जिला आवंटन आ गया है उनका नाम जिला आवंटन में दे दिया है लेकिन जो ये एस टी की सीटें थी पाँच छः सीटें जो भी थी उनका तो देना चाहिए उनका जिला आवंटन क्यों नहीं है इस पूरे पी को आप देखेंगे तो कहीं पर भी एस टी कैटेगरी का नाम नहीं दिखाई देगा आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा ठीक है अब इसी को लेकर एक और नोटिस जारी किया गया है तो उसी को लेकर देखिए एक और नोटिफिकेशन आई है आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा ठीक है जो भी एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका नाम अगर वहां पे देखिए ये जो नोटिस आई है ठीक है यहाँ पे दस लोगों का नाम दिया गया है और इनका डिस्ट्रिक्ट अलाटमेंट नहीं किया गया, होल गया है होल्ड कर दिया गया है ठीक है होल्ड कर दिया गया है अब ये देखिए दस लोग हैं यहाँ पे देखेंगे आप अब जो उस जिला आवंटन की पीडीएफ आई है जो भी एसटी कैटेगरी के होंगे या ओबीसी कैटेगरी के होंगे उनका नाम अगर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन देख लीजिएगा यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हंड्रेड परसेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा किसी भी किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है ना एन के द्वारा ठीक है जो आप लोग तुरंत चीज़ें नहीं समझते हैं बस तुरंत आप लोग बोलते हैं कि ये गड़बड़ी हो गया एन की तरफ से धांधली हो गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी मैं शुरू से बोल रहा हूँ ये आपकी सत्रह प्लस वैकेंसी जो है सेफ़ और एकदम दुरुस्त तरीके से सब कुछ अच्छे वे में हो रहा है और आगे भी ऐसे होता रहेगा ठीक है यहाँ पर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुआ है एन के द्वारा ठीक है चलिए इसका थोड़ा हम हिंदी में देख लेते हैं इसका क्या मतलब है ठीक है तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन हम किए देखिए हिंदी में यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन्होंने बोला है कि कुछ कारणों से ठीक है कुछ कारणों से फार्मासिस्ट एलोपैथिक पद के नीचे उल्लेखित दस शॉर्ट लिस्टेड दस शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवार को जिला आवंटन प्रस्ताव पत्र जारी करने को अगले आदेश तक रोक दिया गया है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर कि हमारा नाम नहीं है तो क्या हमारा ज्वाइनिंग रुक जाएगा हमारा ऑफर लेटर नहीं आएगा तो आप लोगों को कुछ समय के लिए कोई भी रीजन हो सकता है शायद हो सकता है जहाँ पे आपको ये ज़िला आवंटन करने की कोशिश कर रहे कर रहे होंगे वहाँ पे सीटें नहीं खाली होंगी को, कोई रीजन सा होगा या और भी कोई रीजन हो सकते हैं बहुत से रीजन हो सकते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है या एन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए परेशान ना हो ठीक है आपको अगले आ, दो तीन दिन में ये चीज़ें सही हो जाएगा ठीक है तो आपका भी अलर्ट कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आपको तो ज्वाइनिंग देगा देंगे ये लोग तो इसके लिए परेशान ना हो आप लोग ठीक है इसलिए अलग से एक पीडीएफ भी जारी कर दिया गया कि आप लोग देख लीजिए नहीं तो फिर आप लोग परेशान होंगे तो ये दूसरा पीडीएफ जो आया है ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो भी फार्मासिस्ट कैंडिडेट हैं अभी जिला आवंटन जिला आवंटन की पीडीएफ आ गई है तो अब इनका ऑफ़र लेटर कब आने वाला है तो आप आज के ही डेट से पकड़ लीजिए ठीक है तीन दिन तीन दिन में या चार दिन में आपको मिल जाएगा ऑफ़र लेटर का नोटिस जो है आप लोगों के लिए फार्मासिस्ट वालों के लिए ठीक है दो तीन दिन में आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जी मेल आई भी आपके मैसेज आ जाएंगे ऑफर लेटर के तो आप अपना ऑफर लेटर देख लीजिएगा वहाँ पे ठीक है फिर उसी ऑफर लेटर को लेकर जाना होगा आपको जो डेट बताया गया है उन्होंने 20 फरवरी को ठीक है 20 फरवरी तक 20 फरवरी को आप 19 को भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 20 तक भी जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 21 को जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो जैसे ही दो तीन दिन में आपका ऑफर लेटर आता है देखिए अभी जिला आवंटन की पीडीएफ आ गई है तो फार्मासिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका जिला आवंटन का नाम आ गया तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अब रेडी कर लें ठीक है आपके पास समय है बीस दिन का समय है बीस दिन क्या अभी तो आज छब्बीस तारीख है ना लगभग पच्चीस चौबीस पच्चीस दिन का टाइम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लें बन जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट दस से पाँच दिन में ही बन जाएंगे तो आप समय से पहले प्लीज चले जाएँ अपना जो भी है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा लें यह रही फार्मासिस्ट वालों के लिए अब बात करते हैं यहाँ पे एन या एल फिर स्टाफ नर्स का कब आने वाला है जिला अलाटमेंट और इनका ऑफ़र लेटर देखिए एनएम कैंडिडेट जितने भी हैं अब आपका ही जो भी है फार्मासिस्ट का आ गया है जिला आवंटन अब आपकी भी पी आ जाएगी और आपका पी कब आएगा विद इन वन वीक मैक्सिमम वन वीक सात से लेकर नौ दिन आज के ही डेट से आप पकड़ के चलें सात से नौ के दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा आपका जिला आवंटन का पीडीएफ ठीक है उसी प्रकार लैब टेक्नीशियन वालों का भी देखिए फरवरी के महीने में जितने भी प्रोग्राम हैं चाहे एन के हों चाहे एल के हों चाहे स्टाफ नर्स के हों फरवरी के महीने में आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने हैं इसके लिए आप निश्चिंत रहें ठीक है और रही बात ज्वाइनिंग की तो ज्वाइनिंग देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चुनाव से पहले हो जाते हैं तो आपको आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा कोई समस्या नहीं है आचार संहिता में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है बट आचार संहिता में आपके ज्वाइनिंग दे दिया जाता है क्योंकि देखिए आचार संहिता में ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं होगा क्योंकि भैया आचार संहिता में सबकी ड्यूटी लग जाती है अलग 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 जगह पर ठीक है सबकी ड्यूटी अलग जगह पर लग यहाँ पे देखिए चाहे वो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वो लेखपाल क्यों ना यहाँ तक एनएम या एनएम वालों का भी इलेक्शन के टाइम ड्यूटी लगा दिया जाता है तो सभी का ड्यूटी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लगा देते हैं लोग ठीक है तो इसी में व्यस्त हो जाएंगे इसलिए आपकी अब एन का प्रयास यही रहेगा कि जितना हो सके उतना जल्दी सभी प्रोग्राम के ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी के लास्ट जन फरवरी के लास्ट तक करवा लें ये लोग तो बिल्कुल परेशान ना हो एन के विद्यार्थी चाहे लैब टेक्नीशियन के या फिर स्टाफ नर्स के आप लोग का फरवरी के महीने में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी चाहे वो चुनाव का माहौल हो चाहे वो आचार संहिता का समय हो चाहे जो भी चीज़ें हो ज्वाइनिंग होने में कोई समस्या नहीं है ज्वाइनिंग ये लोग दे ही देंगे बट डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपका आचार संहिता में नहीं होता है ठीक है तो अभी एन का प्रयास यही रहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन फरवरी इंड तक करवा लेंगे तो इन वाले आप लोग पकड़ के चलिए सात से नौ दिन में ठीक है यही दस से पंद्रह दिन में टेक्नीशियन वाले भी पकड़ के चले आपके जिला आवंटन और ऑफर लेटर की नोटिस आ जाएगी अभी नेक्स्ट जो है आपका दो तीन दिन में एक दो दिन में आज की ही डेट से हो सकता है आज आज या कल या परसों तक आप फार्मासिस्ट वालों का ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा फिर उसके बाद एनम हो या लैब टेक्नीशियन हो इन लोगों का जिला आवंटन का भी पीडीएफ जारी कर दिया जाएगा फरवरी बीस फरवरी तक सभी के जो है जिला आवंटन की पी जारी हो जाएगी और आपको बता भी दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट कब होंगे ठीक है बाकी देखिए अब दो तीन दिन में या एक हफ्ते में ये चीज़ें पता चल ही जाएगा अगर दस दिन या नौ दिन दस दिन बारह दिन में एनम वालों का नहीं आता है जिला आवंटन की पी डी एफ स्टाफ नर्स का नहीं आता है ज़िला आवंटन की पीडीएफ या लैब टेक्नीशियन का जिला आवंटन का पीडीएफ नहीं आता है आने वाले दस से पंद्रह दिनों में तो आप फिर आप लोगों के लिए यही हो सकता है कि फिर इलेक्शन के बाद शायद ये लोग करवाएं तो ये भी चीज़ हो सकता है अगर आने वाले दस से पंद्रह दिन में मैं फिर से बोल रहा हूँ आने वाले दस से पंद्रह दिन में अगर एन या एल वालों का जिला आवंटन का पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है ठीक है तो समझ लीजिए फिर लंबा आपका चुनाव के बाद ये लोग प्लानिंग कर रहे होंगे आप लोगों का करवाने का ठीक है वैसे तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी का जो है जिला आवंटन का पी आने वाले दस से पंद्रह दिन में जारी हो जाएंगे और आपके डी का डेट भी बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट कब करवाना है देखिए यहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट का है उनका डॉक्यूमेंट के लिए एक डेट बता दिया इन्होंने कि 20 फरवरी तक 20 फरवरी तक आपका डॉक्यूमेंट करवाना है क्योंकि 20 फरवरी के बाद ही शायद 25 फरवरी से या 20 फरवरी से ही आचार अच्छा संहिता लग जाएगा इसलिए 20 फरवरी का डेट निर्धारित किया है इन्होंने तो कुछ चीज़ें सोच समझ के किए होंगे तो देखिए अब क्या होता है आगे तो दो तीन दिन में पता चल जाए जहाँ तक आप लोग बोल रहे थे कि सर बताइए कि अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है तो वो मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से जो भी एन वाले हों या एल वाले हों आने वाले दस से पंद्रह दिन में आपके जिला आवंटन की पी जारी हो सकती है और रही बात फार्मासिस्ट की ऑफर लेटर की तो फार्मासिस्ट के ऑफर लेटर दो तीन दिन में आ जाएंगे ठीक है बिल्कुल परेशान आप लोग ना हो और एन वालों या एल वाले या जो भी स्टाफ नर्स वाले हैं इनका तो मैंने बता दिया है कि आप लोग आने वाले दस से पंद्रह दिन का इंतजार करें दस से पंद्रह दिन में आपके जिला आवंटन की पीडीएफ देखिए प्रोग्राम वाइज ही आएगा अब एन का आएगा तो फिर एल का आएगा फिर स्टाफ नर्स का आएगा लेकिन ये इतना लंबा टाइम नहीं लेंगे कि दस दिन के बाद फिर फिर दस दिन के बाद ऐसा नहीं है आपका जो भी है आने वाले दस से पंद्रह दिन में सभी के तीनों प्रोग्राम जो बचे हुए हैं ए एन एम के बच्चे हों या एल टी का बच्चे हों या स्टाफ नर्स के बच्चे हों ठीक है इन तीनों प्रो, तीनों पोस्ट के ठीक है ऑफर लेटर ऑफर लेटर नहीं जिला आवंटन का पी आ जाएगा आने वाले दस से पंद्रह दिनों में क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ अगर नहीं आता है तो फिर आप को, को समझ जाना है कि आपका अब जो ज्वाइनिंग है इलेक्शन के बाद ही होने वाला है तो देखिए आप जो भी फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं प्लीज आप लोग अपना जो भी है करेक्टर सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट आप कॉलेज वाला लगाइएगा और एक आपका तहसील का रहेगा ठीक है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं से भी बनवा लेंगे वो चलेगा और देखिए कॉलेज का जरूरी है कॉलेज का चाहिए और एक और दो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके लगने वाले हैं फार्मासिस्ट वालों के लिए ठीक है तो आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट आप भी बनवा लीजिएगा कहीं से भी बन जाएगा कोई इशू नहीं है आपके अपने सी ऑफिस से ही बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको आ, करेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर आप बनवा लेना वैसे भी डॉक्यूमेंट आपके तैयार ही होंगे यही दो चीज़ें था जो मैंने आपको बोला था कि आने दीजिए पीडीएफ जो है जिला आवंटन की या ऑफर लेटर फिर उसके बाद बनवाइएगा तो अब आप लोग बनवा ही लें ठीक है और एन वाले जो भी हैं लैब टेक्नीशियन वाले हैं आने वाले दस दिन तक इंतजार करें प्लीज़ सभी का जिला आवंटन की पीडीएफ जारी हो जाएगी आने वाले दस दिन में उम्मीद तो यही पूरी पूरी है